आदित्य जी आपके पास आएंगे, आपसे समझना चाहेंगे कि आरोप अपनी जगह है लेकिन कानूनी तौर पर इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस ने एग्रीमेंट की शर्तों को नहीं माना, रेट बढ़ा दिए, आरबीआई के नियमों को नहीं माना, किस्तों की भी संख्या बढ़ा दी, इतनी मनमानी कैसे कर सकते हैं? जी देखिए, वन साइडेड एग्रीमेंट्स अगर वो अनफेयर हो और पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ हो तो वो वॉइड हो जाते हैं लॉ में। अब इन मैटर्स में जो हुआ, आपने पहले क्वेश्चन पूछा, मैं आपको समझाता हूँ हुआ क्या है। इन लोगों ने होम लोन लिया 45-46 लाख का अलग अलग दर पे, जो सबवेंशन के तहत था, और वो लोन अमाउंट डिसबर्स हो गया जिस पे इंटरेस्ट लगना था जब लोन एग्रीमेंट एंटर हुआ, अराउंड 43-45 लाख के रेंज में, और उसका टेन्योर 180 मंथ्स यानी 15 साल था। जब इन्होंने अभी रिसेंटली 2023 में अपना स्टेटमेंट रिविजिट किया तो ये देख के ये शॉक हो गए कि जो इंटरेस्ट फैक्टर है, सिर्फ इंटरेस्ट रेट है, वो इंक्रीज हो गया है टू द ट्यून ऑफ 1 करोड़ 30 लाख, 1 करोड़ 40 लाख कुछ केसेस में, और जो टेन्योर है वो 180 मंथ से बढ़ाकर 400 महीने या कई कई जगह 460 महीने या 440 महीने कर दिया गया है, यानी 15 साल की बजाय वो 33 से 40 साल तक का लोन टेन्योर बढ़ा दिया गया है, और इसकी इंफॉर्मेशन इनको कभी दी नहीं गई है। आरबीआई क्लियरली ये डायरेक्शन देता है कि अगर आप कोई भी लोन रेट चेंज कर रहे हैं, टेन्योर चेंज कर रहे हैं, तो आप प्रतिबद्ध हैं कि आप जो लोन धारक है उसको आप इन्फॉर्म करें, आप उनसे उन परमिशन लें। और रिसेंटली जो 18 अगस्त 2023 को एक सर्कुलर आया, और ये सर्कुलर आरबीआई ने ये कह के निकाला है कि उन्हें खुद इतनी सारी कंप्लेंट्स मिल रही हैं इन प्रैक्टिसेस की कि उनको एक गाइडलाइंस फ्रेम करनी पड़ी है अंडर आरबीआई एक्ट और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कि इस तरह की प्रैक्टिसेस को रोका जाए। उन्होंने हर तरह से उसको स्पेल आउट किया है, उन्होंने ये बताया कि कहीं आपने अगर इतना टेन्योर बढ़ा दिया है तो आप पहले परमिशन लेंगे, आप जो लोन ले रहा है उसकी क्षमता जांचेंगे। आप खुद ही सोचिए, जिस आदमी का लोन की क्षमता ये थी कि वो इंटरेस्ट रेट अराउंड 43 लाख रुपीज देगा, आज 30 या 32 लाख रुपए देने के बाद भी अगर उसके 134 लाख या 140 लाख दे हो तो आपने जो अमाउंट लिया उससे 5 टाइम आपको रिटर्न करना पड़ रहा है। तो ये तो एक नेगेटिव एमोर्टाइजेशन हो गया, अब वो एब्सोल्युटली इलीगल है और आरबीआई सर्कुलर्स और आरबीआई रूल्स के हिसाब से अलाउड नहीं। लेकिन परोलिया साहब ये बताइए कि क्या बात सिर्फ इंडिया बुल्स की है या अन्य कर्जदाता कंपनियां एनबीएफसीज भी इस तरह की मनमानी कर रही हैं? सर जैसे मैंने आपको बताया 18 अगस्त 2023 को जो सर्कुलर आरबीआई ने कहा है, मैं अगर आपको उसका लिटरेचर पढ़ूं मेरे पास, क्योंकि वो सर्कुलर है, तो उसमें साफ साफ ये लिखा हुआ है कि जस्ट कि जितने ये जो कंप्लेंट्स हैं उन्हें कह रहे इट इज इन वेक ऑफ राइजिंग इंटरेस्ट रेट एंड सेवरल कस्टमर ग्रियांसेस रिलेटेड टू इलॉन्गेशन ऑफ लोन टेन्योर एंड और इंक्रीज इन ईएमआई अमाउंट। सो इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ इंडिया बुल्स तक सीमित नहीं है, आरबीआई को ऐसे कई सारे बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस और नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की कंप्लेंट मिली है जहां पर ये प्रैक्टिसेस प्रिविलेंट है। अब होता क्या है, जब ये लोग एग्रीमेंट साइन करते हैं तो ये लोग नॉर्मल ग्राहक हैं, ये इतने माइन्यूटली भी उनको नहीं पढ़ते, और जब उन एग्रीमेंट्स को भी वायलेट किसी तरह से किया जाता है तो उनको पता नहीं लगता है और उनकी रेमिडीज भी इनको नहीं होती है। आपको पता है अब जाके हमारी गवर्नमेंट ने जागो ग्राहक जागो या एक स्कीम निकाली है या लोगों को बताया है कि अपने राइट्स के लिए अवेयर हुई है, बट आपको पता है कि आज तक हमारे देश में अनफॉर्चुनेटली लोग अवेयर नहीं है। यही कुछ लोग हैं जो अवेयर हैं तभी ये लोग कोर्ट आए हैं और या तो उन्होंने आरबीआई को लिखा है। आदित्य जी बात सिर्फ इन 5 लोगों की नहीं है, और जिन लोगों के साथ इस तरह की मनमानी हो रही है, जिन्हें बैंक या वित्तीय संस्थानों से गंभीरता से जवाब नहीं दिया जा रहा है, मनमानी बार बार की जा रही है, अधिक पैसे वसूले जा रहे हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट नोट किया हुआ है, रत्नेश्वर जी ने बोला कि ये ईएमआई का जो अमाउंट है वो चेंज नहीं होता और पीछे ही पीछे टेन्योर और जो इंटरेस्ट और टोटल पेबल है वो चेंज हो जाता है। तो आप क्या कर रहे हैं, आप 50,000 ईएमआई हर बार दे रहे हैं, आप स्टेटमेंट जब तक आप मांगेंगे नहीं वो आपको देंगे नहीं, तो आप 50,000 रुपए देते रहते हैं और आप उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट है, चाहे वो पहले 20,000 या 30,000 कट रहा हो, वो घटा घटा के वो 4,000 या 5,000 आ जाता है, तो आपका सिर्फ इंटरेस्ट पेबल हो जाता है, तो लोगों को पता ही नहीं लगता। ये तो जब सुपरटेक इंसॉल्वेंसी में गई, ये लोग डॉक्यूमेंट मांगने गए, तब इनको लोन स्टेटमेंट सैंक्शन से पता चला कि ये टेन्योर चेंज हो गया है, तभी आरबीआई अब नई गाइडलाइंस लेके आई है कि हर क्वार्टर में बाय डिफॉल्ट
हर एक बैंकिंग या नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन को अपना स्टेटमेंट क्वार्टरली भेजना पड़ेगा हर एक उस व्यक्ति को जिसने उनसे लोन लिया है, ताकि ये बात डिस्क्लोज हो सके। और ये ऑप्शन भी देना पड़ेगा कि आप अपने फ्लोटिंग रेट से एक फिक्स इंटरेस्ट रेट पे फिक्स चेंज हो सकते हैं, और आप जब भी ऊपर करें इंटरेस्ट रेट या नीचे करें वो भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा, या मार्जिन चेंज करें वो भी करना पड़ेगा। तो मुझे नहीं लगता कि ये सिर्फ इन 7 लोगों तक सीमित है, क्योंकि आरबीआई का डॉक्यूमेंट भी यही कहता है। बट प्रॉब्लम यह है कि लोगों को जब तक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट नहीं मिलेगा तो वो जान नहीं पाएंगे कि उनके साथ बैकएंड पे क्या घट रहा है, या किस तरह से इनके बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने लोन के पूरे टर्म्स चेंज कर दिए हैं। रत्नेश्वर जी ने जब मार्च 2015 में लोन लिया था तो अमाउंट जो डिसबर्स हुआ था वो 45,29,000 रुपए था, और जो उनकी ईएमआई थी वो 49,086 रुपीज थी, और लोन टेन्योर था 180 मंथ्स यानी 15 साल। टोटल इंटरेस्ट, इंडिकेटिव इंटरेस्ट रेट पेबल था वो था 43 लाख अराउंड 6,000। लेकिन जब 2022 में जब इंसॉल्वेंसी हुई और वो अपना लोन अकाउंट लेने गए, तब तक ये 30,30,000 रुपए दे चुके थे टोटल। तो टोटल पेबल इनका 45 + 43 था, यानी कि अराउंड 88 लाख रुपीज था। तब इनको पता चला इनका टेन्योर 180 मंथ से बढ़ाकर 399 मंथ कर दिया गया है, यानी कि अराउंड 33 साल के आसपास। और जो इनके जो लोन ईएमआई बची है पे करनी, वो 1,37,00,000 बची है। तो यानी कि जो आपका इंडिकेटिव इंटरेस्ट पेबल था विच वाज अराउंड 43 लाख, उस पे आपने 30 लाख रुपए दे दिए थे, लेकिन इतने साल पे करने के बाद भी आपका टेन्योर बढ़ा दिया गया और आपको जो पेबल अमाउंट है वो अभी बचा है 1,37,00,000। तो आप समझ रहे हैं कि 1,37,30,000 यानी 1,67,00,000 आपको लौटाना है, जहां की आपको इंडिकेट किया गया था कि आपको सिर्फ 45, 43 या 44 लाख लौटाने होंगे। तो यानी कि बिल्कुल वो फोर फोर टाइम्स बढ़ा दिया गया है, और वो इस तरह से बढ़ाया गया कि जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन उस एग्रीमेंट में लिखी गई है वो उनके विम्स और फैंसीज पे इंडिया बुल्स या उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने चेंज करी, अपने आप खुद के एग्रीमेंट को वायलेट किया, आरबीआई के गाइडलाइंस को वायलेट किया, और जो रेपो रेट्स थे जब वो डिक्रीज होते थे तो वो लोन का जो मार्जिन वो था उसको कभी डिक्रीज नहीं किया गया। तो सपोज आपका रेपो रेट अभी 100 पॉइंट पे है और उसको 90 पॉइंट पे जब वो आता है तो आप प्रोपोर्शनली उसको डिक्रीज करेंगे, तो मेरा भी वो 10 पॉइंट्स डिक्रीज होगा, बट उसको 100 ही रखा गया। बट वो जब 90 से 100 गया तो आपने 10 पॉइंट्स इंक्रीज कर दिया, यानी कि अब वो 110 हो गया। सो करेक्ट 3 टाइम्स यहाँ मेरे को हिट लगा। उसके बाद जो मार्जिन है, जो मार्जिन डिडक्ट करा जाता है वो कांस्टेंट होता है, बट वो चेंज कर दिया गया 3-4। पहली बार आईएमएलआर लगाया गया, उसके बाद आरएमएलआर लगाया गया, जिसका इंटीमेशन इनको नहीं मिला, जो कि 7.5 था उसको 4 कर दिया गया, यानी कि 3.5% का तो हिट इनको यहाँ लगा। तो जो इनका इंटरेस्ट रेट अराउंड आज के टाइम में 8 या 9 होना चाहिए था, वो बढ़ के 16 to 17 हो गया। सो इट बिकेम डबल ऑलमोस्ट। सर अगर ये डिफॉल्ट करते हैं तो वही होता है कि इनके खिलाफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स होती डीआरटी में, या चेक बाउंस की, या अलग अलग प्रोसीडिंग्स होती, वरना इनके जो प्रॉपर्टीज मॉर्गेज हैं उनको अटैच किया जाता, या इनकी इनकी पर्सनल प्रॉपर्टीज को अटैच किया जाता। एक बात आदित्य जी, मैं इस मामले से हटकर बात करना चाहूंगा आपसे कि अभी आरबीआई ने कर्ज अदायगी के बाद प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स वापस करने को लेकर भी एक नए और सख्त नियम तय किए हैं, जिसमें 30 दिन के भीतर डॉक्यूमेंट वापस करने ही होंगे, और अगर नहीं करते हैं तो रोजाना 5,000 रुपए का जुर्माना तक लगाने की बात की गई है। उसको एक बार विस्तार से समझाइए। ये जो आपने जो सर्कुलर डिस्कस किया है आरबीआई का, ये भी उसी का एक अलग कंटिन्यूशन है। क्या हो रहा था जब आपको पता है हमारा रियल एस्टेट मार्केट इतना रेगुलेटेड नहीं था, फिर रेरा आया, उसके बाद भी स्लोली रेगुलेट हो रहा है, अभी 100% ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में नहीं आया है। तो इनमें जो क्या होता था, जब ये लोग लोन लेने आते थे इनको डॉक्यूमेंट्स अपने देने पड़ते थे सारे के सारे। जब लोन चुक जाता था या एनओसी ले लेते थे तो वो जो डॉक्यूमेंट्स है वो लौटाए नहीं जाते थे, और जी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको दे नहीं पड़ेंगे। तो उस तरह से जब आरबीआई को बहुत कंप्लेंट्स मिली, आरबीआई हैज बीन फ्लडेड बाय कंप्लेंट्स ऑन एवरी एस्पेक्ट इन रियल एस्टेट मार्केट अगेंस्ट बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो ठीक उन्होंने है कहा कि अगर आप भाई बैंक के ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं लौटाएंगे तब तक कन्वेयंस डीड नहीं होगी दूसरे की, और या उसका
तो आप पे 5,000 रुपये पर दिन का फाइन लगेगा, बहुत मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टीज पे भी आया है। तो यानी कि सिर्फ प्रॉपर्टी घरों से रिलेटेड नहीं है, बट गाड़ियों से रिलेटेड या किसी भी टाइप की प्रॉपर्टी से ये रिलेटेड है।